मैं हूँ आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से ही सब रियाज कर रहे होंगे और करते रहते हैं, जैसे कि हमेशा चलते ही रहते हैं सबका रियाज। तो आज का जो हमारा लेसन है, आज हम बात करेंगे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमारे लिए कि तबले पे हाथ दर्द हो जाता है। ठीक है, तबले पे हाथ मतलब बजाते टाइम स्पीड नहीं बढ़ पाती है, हाथ में दर्द होने लगता है। और क्रिकेट की ज़्यादातर कंप्लेन आती है कि क्रिकेट की स्पीड नहीं बढ़ रही है। क्रिकेट हमारे बिल्कुल मतलब जितनी स्पीड में हम बजाते हैं, स्लो में ठीक बजा लेते हैं, लेकिन फास्ट स्पीड नहीं बढ़ पाती है। उसका कारण क्या है, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर होते हैं, मुझे लगता है वो एक वीडियो देखते हैं तो कमेंट उसके आधार पर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार ये मैं अच्छे से किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं कि तबले पे हाथ रखने का सही तरीका क्या है, जिससे कि ज़्यादा पेन भी ना हो, थोड़ा इजी भी हो बजाने के लिए, और टेक्निक क्या है मतलब बजाने की, सबसे पहली बात जो है। ठीक है, तो और हाथ में दर्द होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। ठीक है, ये सारे कुछ सवाल हैं आपके, जो मैं इस वीडियो में आपको मतलब कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, आपको अच्छे से समझ में जिससे आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम तबले पे बैठें तबला बजाने के लिए, एक तो जो हमारी जो कमर है, हमने ऐसे झुक के नहीं बैठना है। ठीक है, ऐसे झुक के बैठना है ना, ये चीज़ नहीं, कमर पीछे से बिल्कुल देखें आप, नोट करें, कमर सीधी होनी चाहिए हमेशा तबला बजाते हुए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका शरीर जब सीधा रहेगा तो तबले पे हाथ भी सीधा ही आएगा। ठीक है, और ये एक एक चीज़ आपके नोट करने की है, आप देखें कि आपने हाथ किस तरीके से रखना है। ठीक है, ये पोजीशन देख सकते हैं आप, सेम हाथ रखने की टेक्निक, मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, हाथ इधर से नीचे रहता है, ऐसे रहता है ना, इससे क्या होता है, स्पीड नहीं बन पाती है, मतलब फ्लो नहीं आता है फिंगर्स का, जबकि थोड़ा यहाँ से अगर वेट आए। ठीक है, ये जो है हथेली और ये यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, हाथ उतरा हुआ नहीं, चढ़ा हुआ रहना चाहिए हल्का सा इस तरीके से। ये भी नहीं कि ज़्यादा आपने ऐसे उठाया हुआ, नहीं, मतलब जितना आप देख सकते हैं वीडियो में, जितना मेरा है उतना बस, जिससे कि क्या हो, पीछे का जो वेट है वो भी उंगलियों तक यहाँ पहुँचे। ठीक है, अगर आप हाथ ऐसा रखेंगे तो सिर्फ उंगलियों का आगे से वो लग रहा है, हालांकि स्पीड जो बनती है वो उंगलियों की ही बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर हमें पीछे से हैंड से भी मिलता है। ठीक है, ये तो ये उठा के रखें। ठीक है, बाएं में भी ध्यान रखें, ऐसा भी ना हो थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे उतार में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पीछे से ऐसे किया हुआ तब वेट कैसे आएगा। ठीक है, पीछे से मतलब थोड़ा हाथ ये उठावा और ये शरीर। अब ये तो हो गया हाथ रखने की पोजीशन क्या होगी हमारी। ठीक है, ये इस तरीके से जो मैंने बता दी। ठीक है, हाथ उठावा थोड़ा सा, ये आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, ये जो ये वाला तरीका जो है ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से अगर आप करेंगे तो नहीं, झुका हुआ नहीं रहना, कमर झुका के नहीं बैठना इस तरीके से। ठीक है, ये सही है। थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये चीज हाथ इस तरीके से रखें। फिर दूसरी जो मतलब लोग पूछते हैं कि उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, मतलब ये पता नहीं, अब मेरी तो खैर हो नहीं रही है, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती है और एक सही हाथ रखने के तरीके से होती है। हालांकि मेरी भी प्रॉपर इतनी सीधी नहीं रखी जाती हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ जो है बड़ा है, आप देख सकते हैं बड़ा हाथ है। ठीक है, हाथ का भी फर्क पड़ता है, और उंगलियाँ सही तरीके से आप रियाज करेंगे, जब रियाज होगा अच्छे से हाथ रखने की जो टेक्निक है, ज़्यादातर आप अंगूठा अलग ही रखें। ठीक है, इससे चिपकाया नहीं जाता है वैसे। ठीक है, वो कम बनता है, मतलब स्पीड जो कम बनती है, अंगूठा अलग रखें, कितना अलग रखें ये भी नहीं कि आप ऐसे लटका के रखें नीचे, मतलब ठीक है
गजरे के पास आ सकता है, कई कई बार ऐसा होता है गजरे पे यहाँ पे भी लगता है अंगूठा, कई बार साइड में, लेकिन ये नहीं कि आपका इधर से ज़्यादा लगे, नहीं, थोड़ा अंगूठा अलग, ठीक है। फिर ता और ना की प्रैक्टिस। अच्छा, अब जो क्रिकेट है उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो ये नहीं कि आपने 5 दिन किया 10 दिन किया स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसकी स्पीड बढ़ने में महीनों भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, ठीक है, अगर कोई सही तरीके से रियाज करता है तो। उसका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी स्पीड, अब आपको एक बार में कितनी स्पीड बढ़ानी है, सपोज आप अभी यहाँ बजा रहे हैं ये, ठीक है, आप यहाँ बजा रहे हैं, यहाँ आप कंफर्टेबल बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको यहाँ बजाने में, अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बजाने में तो यहीं बजाएं, ज़्यादा कम से कम 1-1.5 हफ्ते तक यहाँ से स्पीड मत बढ़ाएं, पहले यहीं बढ़ाएं, बजाएं आप इतनी ही स्पीड में, ठीक है। जो भी आपको बोल आता है क्रिकेट से संबंधित, ताक तेरे किट या तेरे किट ताक ताक तेरे किट तेरे किट ताक ताक तेरे किट ताक 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 तेरे किट ताक तेरे किट ताक तेरे किट ताक तेरे किट, ये सारे बेसिक बोल मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये आप बढ़ा बजा दें। फिर 1-1.5 हफ्ता आपने ये बजाया, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए इसकी, कितनी, लेकिन दिमाग में बोल बोल के, बोलों का जो वजन है, इस हाथ का भी उतना ही वजन आना चाहिए और इसका भी इतना ही वजन आना चाहिए, तब जाके क्लियरिटी और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वजन का ध्यान रखें और हाथ पोजीशन देख लें, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, आप पहले इसको साइड में उंगली टिका के ताना की प्रैक्टिस करें, बीच वाली उंगली बिल्कुल सीधी रखें, साइड वाली उंगली गजरे पे रखें, ठीक है, इस तरीके से, या चांटी पे भी रख सकते हैं साइड में, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, वैसे गजरे पे ही रहे यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपकी मुड़ी हुई रहे उंगलियाँ या ऐसा कुछ, ऐसे नहीं, पहले हाथ देख लें किस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके याद देख सकते हैं, ठीक है, हल्का सा, और फिर रखें हाथ को इस तरीके से, बिल्कुल सीधा भी, ये भी नहीं कि ये नहीं कि आपके आगे से ये उठा हुआ है, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हैंड ऐसे झुका हुआ है जिससे थोड़ा फ्लो बनेंगे। आगे के टिप्स भी मैं बेसिक में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे के जो टिप्स हैं ये वाले, इनसे अपने इनसे बजाना है, ये फ्लो इन्हीं का फ्लो बनाना है, ठीक है, ये जिससे क्लियरिटी आएगी साथ साथ ऐसे बजाएं, ठीक है। मीठा मीठा बजाएं, जितनी आपको, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बजाएं, ये कुछ नहीं, कोई फर्क, कोई फ़ायदा नहीं है फास्ट बजा के भी, या कोई ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा फास्ट बजा लिया तो आप बहुत अच्छा बजाने लगे, नहीं, फास्ट बजाना अच्छा नहीं है, आप कितना भी फास्ट बजाते हैं कोई फ़ायदा नहीं उस बजाने का, अगर क्लियरिटी नहीं है तो साफ, आप मीठा मीठा बजाएं और उतनी स्पीड में प्रैक्टिस करें जितने में आपको कंफर्टेबल लगता है, सिर्फ उतने में, ठीक है, इस लय अपने आप बढ़ेगी और रियाज से बढ़ती है, अगर आप 5-6 जितनी आपके पास टाइम है उतना टाइम दें और रियाज करें सही टेक्निक से, स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन यह नहीं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में, मैंने आज के दिन में कोई ठेका मिला और शाम तक ही मैं ये सोचूं कि मैं इसको बहुत ऊंची स्पीड में बजाने लग जाऊं, इसको यहाँ तक बढ़ने में महीनों, 2 महीने, 3-4-5 महीने भी लग सकते हैं अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो, जितनी स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है, कहने का मतलब ये है। तो हाथ दर्द होने की भी यही एक प्रॉब्लम है कि आप हाथ का रख रखाव ठीक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, स्लो स्पीड में करें, फिर धीरे धीरे टेम्पो बढ़ाएं। हाथ में दर्द होता है, ये नहीं है कि हाथ में दर्द नहीं होता है, शुरू शुरू में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, दर्द भी होगा थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है तो समझो हाथ रखने का तरीका गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल दर्द ही ना हो, दर्द होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पेन होता है, मतलब हाथ में, ये नहीं कि
बहुत कहीं अगर आपका हाथ अकड़ जाता है या ऐसा कुछ, अकड़ के ना रखें तब ज़्यादा, हाथ बिल्कुल ढीला रखें। सबसे पहले बात जो रखने की जो टेक्निक है वो कलाई है, ये चीज़ फ्री होनी चाहिए आप। कलाई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें यहाँ से, ये नहीं कि आप सिर्फ उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं कलाइयाँ नहीं हिला रहे हैं, ऐसे भी नहीं, ठीक है। कलाई का यूज़ करें अच्छे से, ठीक है। ये क्रिकेट बजाते टाइम शुरू शुरू में हाथ भी दर्द होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दर्द ही नहीं होगा, प्रैक्टिस से सब कम हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस बनती जाएगी आपकी हैबिट बजाने की, तब आप ये धीरे धीरे पेन अपने आप कम होने लग जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने कोशिश की कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर आपको कोई संशय है किसी बात को पूछने का कि आइए आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट ज़रूर करें और आगे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको जो आपको समझ में नहीं आया। और ढोलक में रखने का भी लगभग तरीका सेम ही है, कोई अलग नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि ढोलक पे हाथ किस तरीके से रखना है, ठीक है, तो ये दरअसल मैं बेसिक लेसन में बता चुका हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर बार कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है कि ढोलक पे अलग से लेसन चाहिए, तो इसके लिए मैं एक लेसन अलग से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आप मेरे लिए कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप अलग से करने की, ठीक है। ये रियाज करें, हाथ रखने का टेक्निक देखें किस तरीके से हाथ रखा गया है, ठीक है। हाथ ये पोजीशन रखें, झुकाएं मत हाथ को, ठीक है। हाथों का ध्यान ये रखें कि उंगलियां ज़्यादा ना मुड़े, ठीक है। बिल्कुल सीधा हाथ सीधा रखें, ऐसे हल्का सा घुमा के रखें, कोई बात नहीं, अंदर को चलेगा, कोई बात नहीं। ज़रूरी है कि बोल साफ हों, बाकी तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलों पे ध्यान दें, बोल साफ करें अपने, ठीक है, स्लो स्पीड। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, इच्छा है आपकी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अच्छे से रियाज करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।